नमस्कार, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को पटखनी लगाई है गठबंधन दलों में, लगातार खुशियां मनाई जा रही हैं। कांग्रेसी नेता हों, उसके कार्यकर्ता हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हों, खुद हेमंत सोरेन हों और चाहे वह तेजस्वी यादव हों, लगातार खुशियां मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं और उसकी हार के कारण सामने स्पष्ट कर रहे हैं। और हार के कारण क्या हैं सारा देश जानता है, झारखंड की जनता जानती है कि हार के क्या कारण हैं, किस तरह बेरोजगारी की स्थिति बढ़ा दी झारखंड में, झारखंड के खनिजों को बेच दिया, उसका पैसा झारखंड में नहीं लगाया, पूंजीपतियों को बांट दिया, सरकारी काम में कोई देश के काम में खर्च नहीं हुआ बल्कि वहां के नेता खा गए उस पैसे को और झारखंड को गरीब कर दिया, यही मुद्दे थे। इस वक्त तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण है कि उन्होंने राज्य की स्थिति बदतर कर दी थी, उन्होंने राज्य में गरीबी को चरम सीमा में गरीबी आ गई थी, राज्य के खनिजों को लगातार बेचा जा रहा था और पूंजीपतियों की जेबें भरी जा रही थी, शिक्षा के स्तर पर राज्य पिछड़ चुका है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह जीत गठबंधन की नहीं है बल्कि वहां की जनता की जीत है और उस जनता ने फैसला दिया है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अलग कर दिया है, उखाड़ कर फेंक दिया है, तेजस्वी यादव का यह बयान था। उन्होंने कहा कि लगातार सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी RSS के एजेंडे पर कार्य कर रहा था, उन्होंने RSS को निशाने पर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है जो RSS की नीतियां हैं वही भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, RSS जो चाहता है वही कानून लागू होता है और भारतीय जनता पार्टी उसी के आधार पर कार्य करती है। आप देखें जिस तरह झारखंड की शिक्षा के स्तर पर वहाँ की जनता बहुत पिछड़ी हुई है, 80% भाग तो ग्रामीण है, तो जिस तरह से फैसला वहाँ की जनता ने लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सारी पोल पट्टी वहाँ खुल चुकी है, जब वह समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी लूट रही है उन्हें, तो क्या दिल्ली की जनता नहीं समझती होगी जो कि काबिल जनता है, और तमाम राज्य तमाम देश नहीं समझ रहा होगा? बिल्कुल समझ रहा होगा। क्या आने वाले समय में दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी को हार मिलेगी? क्या लोकसभा चुनाव, जो आगामी लोकसभा चुनाव होंगे, क्या वहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाएगी? इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें, कार्यक्रम को लाइक करना भी ना भूलें। आपका लाइक, आपका शेयर और आपका कमेंट हमें शक्ति प्रदान करेगा, अच्छे कार्यक्रम हम बना सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।